हेलो पब्लिक, आज मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि हवा निकाले बिना पंचर कैसे निकालते हैं। अरे रुको, चलना यार। अरे वीडियो बना रहा, रुकना। अरे अर्जेंट है। अरे इधर ही बोलना। नहीं नहीं, अपने अड्डे पे। चल चल, मैं चलता हूँ। तेरे दिल में जो खयाली सीन खत्म हो जाए ना, तब मुझे बुला लेना, ठीक है? अरे रुकना यार, उसने आज स्माइल करी। किसने? दिशा ने? हाँ। अच्छा, इसलिए इतना खुश है तू आज? रघु मेरी जान, क्या बताऊँ तुझे, क्या कातिल स्माइल थी, घायल कर दिया उसने मुझे। अबे झंडू, एक स्माइल से ये हालत है तेरी? पास आके चूम वूम लेगी तो क्या होगा तेरा? मर जाऊँगा यार। अबे झंडू के लिए झटक, ज़्यादा ना मटक। एक सिर्फ स्माइल दिए, वो भी 6 महीने ताड़ने के बाद। अब बात करने में 1 साल मत लगा देना। क्या बात करूँगा मैं? एक काम कर, GST के बारे में पूछ। क्या? अबे मजनू, तू उसको बोलना उसको लाइक करता है, उसका दिल शेयर करना चाहता है, तो अपनी फीलिंग्स कमेंट कर डालना भाई, इसके पहले कि कोई और कर डाले। तू उसके दिल को सब्सक्राइब कर डाल भाई। अबे तू दोस्त है कि यूट्यूबर? दोनों। अब चल, एक नया वीडियो बनाना है, एक लेटेस्ट आइडिया है। दिशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फाइनली तुमने हिम्मत जुटा ही ली। आई लव यू दिशा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। सॉरी रोहन, तुमने बहुत देर कर दी। हेलो पब्लिक, आज मैं तुमको बताऊंगा कि बिना सांस लिए जिंदा कैसे रहते हैं। ये देखो। अबे क्या कर रहा है? अरे सांस ले। अरे सांस ले तो मर जाएगा। अबे अच्छा, वो बचा ले भाई। अरे क्या पागल से वीडियो वीडियो करता रहता तू, मरेगा किसी दिन। अबे भाई, आजकल ऐसे ही वीडियो वायरल जाते हैं। YouTube का ट्रेंडिंग पेज नहीं देखता क्या? 5 मुंह वाले सांप, लक्ष्मी पूजा के दिन छिपके लिए घर में नहीं आए तो लखपति नहीं बनोगे। अरे ट्रेंडिंग के चक्कर में मरेगा किसी दिन तू। अबे वो जाने दे, बोल क्यों आया तू? अरे हाँ, वो जरूरी काम है अपने को। अबे तेरा हर जरूरी काम मेरे वीडियो के टाइम ही आता है क्या रे? ये ले, लेटर लिखना है अपने को। लेटर? कैसा लेटर? लव लेटर भाई, लव लेटर लिखना है दिशा को। लव लेटर मतलब प्रेम पत्र। अबे कौन सी दुनिया का जीव है तू? 4G की दुनिया में लव लेटर लिखेगा? अबे सब 90s में होता था बे। देख भाई, फेस टू फेस बात करने की हिम्मत नहीं मुझ में, तो बस ये एक ऑप्शन बचा है। अबे मैं क्या बोलता हूँ, ये लेटर बिटर छोड़, डायरेक्ट जाते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, मैं आता हूँ तेरे साथ। अरे भाई, जब भी उसे देखता हूँ ना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। ये सब मुझसे नहीं होगा यार। तू बस एक काम कर, तू मुझे लिखने और डिलीवर करने में मेरी हेल्प कर। ठीक है, लिखते हैं। पेन? माय डियर दिशा। दिशा नहीं, दिशा जी। बहन है क्या तेरी? हाँ ठीक है, लिख। सिर्फ तुम्हारा रोहन। अबे नहीं नहीं, नाम मत लिख। लव लेटर पे कोई नाम लिखता है क्या? अबे उसको पता कैसे चलेगा कि तूने लिखा है? ओ हाँ, एक काम कर, सिर्फ आर लिख, आर। ठीक है, जैसा तेरा मर्जी। समझा ना? जो भी है दे डाल उसको आज, और फुल कॉन्फिडेंस में। टेंशन मत ले, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। ठीक है, आगे वो जा जा। अबे जाना, मुझसे नहीं होगा यार, तू देख। अबे क्या पागल है, जाना जाना प्लीज यार, प्लीज। हेलो,
यस। ओ तेरी, तू तो बहुत ब्यूटीफुल है रे। थैंक्स। थैंक्स को जाने दे, ये तेरे लिए। क्या है ये? अरे डर मत, बॉम्ब नहीं है, लव लेटर है, प्रेम पत्र। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ए, ए हेलो, ये ले। रघु इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जानती तक नहीं, लेटर कैसे ले लूं? अच्छा, सारे पोस्टमैन को जानती क्या तू? फिर भी लेटर लेती ना? तुम पोस्टमैन हो? अरे नहीं रे, प्यार में सब कुछ बनना पड़ता है, पोस्टमैन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। अरे किसी का दिल है रे इसमें, एक बार देख तो सही, पसंद ना आया तो बेशक तोड़ देना, अपने को क्या। जी शुक्रिया, गरीब की इज्जत बचा ली आपने, रिप्लाई का इंतजार रहेगा। हो गया तेरा काम भाई, अब चल दारू पिला। क्या बोली वो? अरे लेश नहीं रहती, दो चार बोल बच्चन देना पड़ा उसको, अब तेरा बोल बच्चन बंद करो और चल। दीदी स्टेपलर है आपके पास? मेरे बैग में पड़ा होगा, देख ले ले। ये क्या है? अरे उसको अंदर रख। देखू तो सही। माय डियर दिशा, अरे तुझे स्टेपलर चाहिए था ना, ये ले, निकल अब यहाँ से। क्या है? लव लेटर? हाँ, मम्मी को तो बताना पड़ेगा। मम्मी क्या चाहिए तुझे? दीदी प्लीज लव लेटर पढ़ने दो ना। नहीं दीदी प्लीज। अच्छा प्लीज, एक शर्त पे। क्या? अगर तू किसी को बताएगी नहीं तो। नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। माय डियर दिशा, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था और देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं दिशा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। उस दिन के बाद हर रोज मैं तुम्हारी एक झलक के लिए बेचैन रहने लगा, तुम्हारे घर के, कॉलेज के, ट्यूशन के चक्कर लगाने लगा। अचानक से 90s के गाने मुझे अच्छे लगने लगे। कई बार सोचा कि तुमसे बात करूं, तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊं, पर तुम सामने आते ही मेरे सारे अल्फाज धोखेबाज हो जाते हैं, बुखार चलने लगता है मुझे। अब तो आलम ऐसा है कि लोग बीमार समझते हैं मुझे, डॉक्टर से मिलने की सलाह देते हैं, मेरा दोस्त मुझे आधा पागल कहता है। कुछ और दिन तुमसे बात नहीं कर पाया ना, तो डर है कहीं पूरी तरह पागल ना हो जाओ। जिस दिन तुम दिखती नहीं ना दिशा, मारा मारा फिरता हूँ मैं, यूँ समझ लो कि तुम ऑक्सीजन हो गई हो मेरे लिए। मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है दिशा, ऐसा पहले ना ही मैंने किसी के लिए फील किया है और ना ही इसके बाद किसी और के लिए फील करूँगा। अब सिर्फ तुम्हारी हाँ ही मेरी जान बचा सकती है, जब आप ना हो तो साथ में कफन भी ले आना। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, इस दिल में एक सपना सा जगा है, शौकी है, अदा है, नजरों में शरारत है। अब ऐसा भी छुपाना क्या, कह दो कि मोहब्बत है। ओए हेलो। ओ माय गॉड दीदी, कौन है ये लड़का? है कोई? दीदी आपको इनकार हो तो प्लीज मेरी सेटिंग करा दो ना। ए हेलो, अपनी उम्र में रह, सिर्फ 16 साल की है तू। अच्छा तो इकरार है। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए अपन मरता था, एक तू इच वो लड़की है जिसको अपन प्यार करता था। राहुल? रोहन। हाँ रोहन यार, अपन की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर ये पीने के बाद किसकी याद आती है यार? यार वो सब छोड़ना यार, बताना क्या बोलियो। अरे पंकज उदास तू क्यों है इतना उदास? लेटर लिया है उसने, जवाब देगी बोली रे। यार अगर उसने ना बोला ना तो मर जाऊंगा मैं। फिर तो अच्छा है, अपन पटा लेगा उसको। मजाक था भाई मजाक, पर एक बात बोलूं, बहुत ब्यूटीफुल है रे वो। हाँ ना, ऐसी थोड़ी मारता उस पे मैं।
एक बार अगर उसने हाँ बोल दिया ना यार, मजा आ जाएगा। जीता था जिसके लिए। I love you too. दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। आशा फिल्म्स, अगर आपको हमारी मूवी अच्छी लगी हो तो बहुत बड़ा थोड़ा अलग। ये क्या तुम्हारा रोज रोज का नाटक? ए पब्लिक, आज मैं तुम लोग को बताऊंगा कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। ये इधर जो घंटा दिख रहा है ना, उसको बजाने का, और तुमको मैसेज नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारे मोबाइल पे। ए डायरेक्टर। हाँ सर। और कुछ करना है क्या? नहीं भाई, हो गया, कट।